दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो, स्वर्ण समृद्धि योजना। चुरेटी रन कर गरीब लोगों की जान बचाने वाले अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने एक और अच्छी पहल की है। सिरमौर को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में सुनील प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। खास बात यह भी है कि इन प्लास्टिक बोतलों को बेचकर सुनील किडनी मरीज के लिए धनराशि जुटाना चाहते हैं। अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने नाहन की ऐतिहासिक सेरगाह शमशेर विला से भारी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा की, जिसके बाद सुनील ने इसे डीसी सिरमौर को सौंप दिया। सुनील ने बताया कि इस कार्य के पीछे दो मकसद हैं, जिसमें पहला सिरमौर को प्लास्टिक फ्री करना और दूसरा इन प्लास्टिक की बोतलों को बेचकर एक किडनी के मरीज के इलाज के लिए पैसे जुटाना। गौर हो कि प्रदेश सरकार 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक खरीद रही है। वहीं डीसी सिरमौर ने धावक सुनील शर्मा के इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उन्मूलन के लिए विशेष अभियान सिरमौर जिला में चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किंकरी देवी अवार्ड की भी घोषणा की गई है। उनका कहना है कि सुनील शर्मा की तरह अन्य लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। कुल मिलाकर अल्ट्रा मैराथन धावक की यह पहल काबिले तारीफ है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। सेवा के तहत जो सिरमौर जिला में एक पॉलीथीन उन्मूलन के बारे में जो अभियान चलाया था, आज उसमें सुनील शर्मा जी हमारे जो अल्ट्रा मैराथन धावक हैं, इन्होंने जो हमारे यहाँ विला राउंड क्षेत्र है वहाँ से खाली बोतलें इकट्ठी करके लाई। उसमें जैसे कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, हम यहाँ पे किंकरी देवी अवार्ड स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में। उसके 5 इनपुट्स हैं, उसमें प्लास्टिक इरेडिकेशन मेन है कि जितना भी हमारा गांव के रास्तों में, सड़कों के किनारे, नदी नालों के किनारे जितना पॉलीथीन पड़ा है, जो खाली बोतलें हैं उसमें भर के उसकी पोली ब्रिक बनाएंगे और पोली ब्रिक से हम यहाँ बेंच का निर्माण करेंगे। ऐसा पॉलीथीन उन्मूलन से एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा। मैं सुनील शर्मा जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने पहल की है और हो सकता है आने वाले टाइम ये भी किंकरी देवी वार्ड के हकदार। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।